तो 2014 में भी देश की जनता ने समर्थन कर दिया, 2019 में भी कर दिया, 2024 के लिए लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हिटलर चुनाव से ही आया था, लेकिन जर्मनी को सूली पर चढ़ा दिया। तो चुनाव कोई कुकर्म करने के लिए, लूटने के लिए, देश बेचने के लिए, देश की अखंडता तोड़ने के लिए नहीं आपको अधिकार दिया है, देश को बनाने के लिए दिया है। जो हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, हम लोगों ने चांद तक को छू दिया। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और संसद की सदस्यता उनकी खारिज हो चुकी है। राहुल गांधी न संसद सदस्य रहे और न कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो रहे, एक जनरल कार्यकर्ता के रूप में अब काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो बात कही थी गुजरात में कि सारे मोदी चोर हैं, जिसके ऊपर मानहानि का केस वहां के एक मोदी जो सर ने मोदी है उसके विधायक ने गुजरात में किया था, और 19 का ये मामला था जो 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने ये मामले का पर फैसला दिया। उसी दिन ये मामला पटना कोर्ट में भी था, लेकिन पटना कोर्ट ने जमानत दे दी और गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा देते हुए 1 महीने के अंदर अपील करने को कहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस में ऐसे कोई बड़े वकीलों की लाइन है, क्यों नहीं वो तुरंत पहुंचे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि सदस्यता जो है क्यों हम उच्च न्यायालय में आए हैं अपील करने के लिए। इसके साथ ही जो है तुरंत जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने एक्शन में आकर उनकी सदस्यता को रद्द किया। श्याम सुंदर जी, क्या आगे का स्टेप अब क्या लेंगे आप लोग, सदस्यता तो चली गई राहुल गांधी। गांधी ने जब सत्याग्रह किया था तो कल क्या होगा ही नहीं सोचा था, लक्ष्य था कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। ये गलत आदमी देश पर बैठ गया है, तानाशाही कर रहा है, प्रजातंत्र को मार रहा है, डेमोक्रेसी के जो उसके खिलाफ बोलता है, ओपोजिशन की आवाज़ को ही बंद करना चाहता है। इन परिस्थिति में जब तक मोदी हटेगा नहीं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो इस गलत आदमी का तो 2014 में भी देश की जनता ने समर्थन कर दिया, 2019 में भी कर दिया, 2024 के लिए लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हिटलर चुनाव से ही आया था, लेकिन जर्मनी को सूली पर चढ़ा दिया। तो चुनाव कोई कुकर्म करने के लिए, लूटने के लिए, देश बेचने के लिए, देश की अखंडता तोड़ने के लिए नहीं आपको अधिकार दिया है, देश को बनाने के लिए दिया है। जो हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, हम लोगों ने चांद तक को छू दिया, और आप उस सबको बेच रहे हैं। तो आपको जनता ने वोट दिया था बेचने के लिए नहीं, कभी आप चुनाव घोषणा में कहा था कि हम देश बेच देंगे, कभी आपने कहा था कि हम विपक्ष की आवाज़ बंद कर देंगे। मीडिया से और राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि राहुल के दुश्मन कांग्रेस में ही हैं, क्यों नहीं एक इतनी बड़ी फौज वकीलों की थी, पवन खेड़ा के मामला में 2 घंटे में सब कुछ हो गया और राहुल के मामले में 24 घंटे में नहीं हुआ कुछ। सबसे बड़ी बात तो यह है, दुर्भाग्य आप माफ़ कीजिएगा, हम लोग 77 आंदोलन देखा था, इंदिरा गांधी का जैसा भी राहुल गांधी को हटाया गया है, इंदिरा गांधी को हटाया गया था तब हम रोड पर थे, उस समय से हम हैं। और ये जो तर्क डाइवर्ट करने के लिए दिया गया गया जाता है, अब हम क्या करेंगे, वकील क्या करेगा, कांग्रेसी क्या करेगा, ये बात खून हुआ, जनतंत्र का खून हुआ, उसका दोषी नरेंद्र मोदी है, हमको उसको हटाना है। जहां हमारी पार्टी में कमजोरी है वो हमारी अंदरूनी मामला है, हम उसको देखेंगे। इसके लिए बीजेपी को अंदरूनी मामला ये है कि लोग इतना तक कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गुजराती भाषा में डिसीजन आया उसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करने में टाइम लग गया, ये कौन सा ये है? वही है जो अमित शाह कहा कि हमारा कलामात देखो कि जो आदमी ने कि ये हाईकोर्ट में दिया लिख के कि इस केस हम विड्रॉ करते हैं, वो राहुल गांधी के पार्लियामेंट में बोलने के बाद कहा कि हम विड्रॉ नहीं करते हैं, और जज को सेकंड नहीं लगा, वो इजाज़त दे दिया, और महीनों नहीं लगा सजा दे दिया। तो ऐसे कुकरी में ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से चेत के चलना पड़ता है, इसलिए उसको हम कानूनी पहलू अलग है, हम कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे जनता के बीच में चुने हुए प्रतिनिधि। तो राहुल गांधी माफी मांग लिए होते, जज ने कहा ना कि माफी मांग लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं मांगेंगे, लेकिन एक मामले में तो राहुल गांधी ने माफी मांगा था। हम जिस
गांधी के स्टैचू के नीचे बैठे हुए हैं। जिस राज्य के हम पैदे लिए हैं, सौभाग्यशाली हैं, वहाँ गांधी ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट को कहा था कि तुम जेल भेजो, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। गुजरात के कोर्ट में गांधी ने कहा, जीवन कारावास हो गई महात्मा गांधी को, कहा कि हम कारावास भोगेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, तुम जनतंत्र की हत्या करोगे। ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको बलि का बकरा बना दिया क्या? कांग्रेस नहीं, ये बीजेपी का अगला षड्यंत्र है। हमारा नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी रहेगा और बीजेपी की को दिन को जाना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा षड्यंत्र, राहुल कानून का मामला। राहुल गांधी का कद कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। हिंदुस्तान के एक राजनीतिक क्यों किसी को हिम्मत है ये कहने का कि हम? तो आप देख रहे हैं दिग्गज कांग्रेसी, 77 के जमाने के दिग्गज कांग्रेसी बैठे हुए हैं। क्या रहा आपके, आपका क्या कहना है? हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दमनकारी रणनीति है, और ये जो मन की बात करते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, जिसको चाहे ईडी भेज दिया और जिसको चाहे सीबीआई लगा दिया, जिसको चाहे जेल भेज दिया, और देश की जनता का पैसा लूट करके अपने मित्रों को बांट रहे हैं, ये देश के किसानों की हत्या कर रहे हैं, ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम लोग इनके लिए लड़ेंगे और देश की जनता के लिए लड़ेंगे, देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। हम लोग सबको आज़ादी चाहिए। देखिए एक महिला खड़ी है, पोस्टर दिखा रही है, नरेंद्र मोदी जी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। अब देखिए एक शहीद प्रधानमंत्री, कांग्रेस भी जो लिख रही है शहीद प्रधानमंत्री, राजीव गांधी को कहीं शहीद का दर्जा जो है अभी तक नहीं मिला है, कानूनन नहीं मिला है। ये जो आपने लिखा है, राजीव गांधी शहीद कब हुए? तो शहादत ही तो थी जिस तरह से उन्हें मारा गया। शहादत जो है वो बॉर्डर पे दी जाती है, आतंकवाद, कोई आतंकी आपको मार देगा, शहादत अभी तक देश के जवानों को आतंकी हमले में घायल हो रहे हैं उनको नहीं मिल रही, इनको कैसे मिल रही? आपको भी पता है कि उनकी हत्या क्यों की गई, राजीव गांधी की हत्या उनके पास शहीद नहीं कर, नहीं उनके क्यों नहीं कह सकते, उनके देश के जवानों को हम शहीद नहीं कह सकते हैं, नहीं दर्जा मिल रहा है, कैसे नहीं मिल? दस आपने दिया, आठ नौ साल से आप है, आप क्यों नहीं दर्जा, कैसे दर्जा नहीं दिया? किस शहीद को शहीद का दर्जा नहीं दिया? हम सवाल आपसे कर रहे हैं, किस शहीद को ऐसा क्यों लिख दिया? क्यों राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए? शहीद हुए, आप भी जानते हैं, आपके क्या मानना है? बिल्कुल वो शहीद हुए। आप मानती हैं कि कांग्रेस में ही षड्यंत्र रचा गया है राहुल गांधी को किनारे कर देने के लिए? नहीं, कांग्रेस में षड्यंत्र नहीं रचा गया है जी, कांग्रेस में षड्यंत्र नहीं रचा गया है, ये तानाशाही सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, और हिटलर शाही जो चल रही है वो हम चलने नहीं देंगे। सड़कों तक हम आ चुके हैं। 2024 में आप निकालेंगी? बिल्कुल, कोशिश यही है। तो आपके साथ तो पार्टियां भी नहीं, ममता बनर्जी अलग हो गई, केजरीवाल ने अपना राग अलग अलग दिया, अब कहां कोई बचा? तो हम बहुमत में आएंगे, गांधी को नेता मानने के लिए बड़े बड़े लोग तैयार नहीं है, तो हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो 24 में जनता पे छोड़ दीजिए, जनता फैसला करेगी, जनता पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल।